अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल है जो हमेशा अपने अजीबोगरीब रहस्यों से हमें चौंकाता है। इस जंगल में न जाने ऐसे कई राज छुपे हैं जिन्हें खोजने के लिए संशोधक हमेशा जंगल एक्सप्लोर करते रहते हैं। ऐसे ही एक बार कर्नल पर्सी फॉसेट अमेज़न जंगल के सफर में निकले थे। खोज के दौरान उन्होंने ग्रीन एनाकोंडा की कई सारी प्रजातियां ढूंढ निकाली। इसी दौरान उन्होंने टाइटेनोबोआ स्नेक जंगल में होने का अनुमान जताया। जंगल में छिपे शहर की खोज के दौरान उन्होंने कई सारी आदिवासी प्रजातियां भी देखी, मगर एक बार उन्हें मैरीकॉक्सी नामक प्रजाति का सामना करना पड़ा। पूरे शरीर पर बंदर की तरह बाल वाले यह लंबे आदि मानव झुंड बनाकर रहते थे और औजारों का इस्तेमाल करते थे। यह प्रजाति इतनी बुद्धिमान थी कि वे तीर धनुष चलाना भी जानते थे। जब पर्सी अपने सहकारियों के साथ अमेज़न एक्सप्लोर कर रहे थे तभी मैरीकॉक्सी ने इन पर हमला किया। बंदर की तरह अजीबोगरीब आवाज निकालकर वे उनके आसपास कूद रहे थे और तीर चलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर पर्सी और उनके सहकारियों ने उन्हें डराकर भगाने के लिए उनके पैरों के पास जमीन पर पिस्तौल चलाई। तब वे भागकर झाड़ियों में छिप गए, मगर कुछ ही देर बाद वहां से तीर चलाने लगे और पर्सी और उनके सहकारियों को जान बचाकर छावनी में वापस जाना पड़ा। इस घटना का वर्णन उनके एक्सप्लोरेशन फॉसेट नामक किताब में मिलता है। क्या आप इस तस्वीर में छिपे पंछी को ढूंढ सकते हो? ये है पोटू बर्ड। सामने शिकारी दिखते ही कुछ जानवर डिफेंस यानी रक्षा तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और ये जनाब छिपने में एक्सपर्ट है। आमतौर पर वे एक लूत शाखा के नोक पर बैठते हैं, जहाँ वे अपनी आंखें बंद करके खुद को एक कोण में इस तरह बैलेंस करते हैं कि कोई भी शिकारी चकमा खा जाए। इस स्थिति में पोटू बर्ड बिना हिले पूरा दिन रह सकते हैं और लगभग अदृश्य से होंगे। शाखा के नोक पर वे एक ही अंडा देते हैं और बाद में उस जगह को इस तरह साफ करते हैं कि शिकारी को कोई नामो निशान ही न मिल पाए। इतना ही नहीं, उनके पास जादुई आंखें होती है। वे आंखें बंद करके भी गति को महसूस करके शिकारियों का पता लगा सकते हैं। इन पक्षियों का विशाल मुंह इन्हें बहुत सारे उड़ने वाले कीड़े पकड़ने में मदद करता है। ये निशाचर पंछी उनकी विशाल आंखों की वजह से बड़े ही मजेदार दिखते हैं। छोटी उम्र से बेबी पोटू अपने माता पिता की नकल करते हैं। अपने माता पिता के बगल में छलावरण की स्थिति में विस्तीर रहते हैं। ये पोटू बर्ड अपनी आवाज के लिए ज्यादा परिचित है। इस अमेज़न वर्षावन में गश्त करने वाला जीव जो विशेष रूप से इंसानों के लिए घातक है वो है बुलेट एंट्स। बुलेट एंट्स लगभग 1.5 इंच तक लंबी होती है और वे इतनी घातक होती है कि इंसानों को भी वो पल में झुका सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जब किसी को काटती है तब उससे होने वाला दर्द बड़ा ही असहनीय होता है। बुलेट एंट्स को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डंक गोली लगने के बराबर होता है। इन्हें कभी छोटा समझने की गलती मत करना। इस घने जंगल में पेड़ों की टहनियों पर बैठे ये छोटे प्यारे बंदर दुनिया के सबसे छोटे बंदर के रूप में जाने जाते हैं। इनका नाम है पिग्मी मार्मोसेट। केवल 4 से 6 इंच लंबे और 100 ग्राम वजनी ये बंदर पश्चिमी अमेज़न वर्षावन के मूल निवासी है। इनके बच्चे इंसान की एक उंगली पर बैठ सकते हैं। यह बंदर 8 से 10 का परिवार बनाकर पेड़ों पर अपना निवास बनाकर रहते हैं। यह अपने छोटे दांतों का इस्तेमाल करके पेड़ों के गम और फलों पर अपना गुजारा करते हैं। बायोलॉजी में अक्सर आपने देखा होगा एक जटिल अंग प्रणालियों के अध्ययन करने हेतु डिसेक्शन यानी विच्छेदन में अक्सर मेंढक का उपयोग किया जाता है ताकि अंदर के अवयवों को और उनके कामकाज को देखा जा सके। मगर क्या आपने ऐसा मेंढक देखा है जिसे काटे बिना ही उसके आंतरिक अंगों को देखा जा सके? सेंट्रल और साउथ अमेरिका में फैले हुए अमेज़न में आपको ये सी थ्रू ग्लास फ्रॉग यानी कांच का मेंढक देखने मिलेगा। पारदर्शक त्वचा होने के कारण हम इसके धड़कने वाले दिल को भी खुली आंखों से देख सकते हैं। ये निशाचर जानवर
अमेज़न इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे कीड़ों की संख्या को नियंत्रण में रखते हैं। वैसे अमेज़न में कुछ मेंढक शांत तो कुछ बड़े जहरीले होते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग जहरीले मेंढकों की एक प्रजाति है। ये डेंड्रोबाइटिडे परिवार का एक समूह उष्णकटिबंधीय मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी है। चमकीले और आकर्षक रंगों से वे किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं, मगर सावधान, इनके जहर से आपको सूजन, अस्वस्थता और कुछ केसेस में पैरालिसिस होने की भी संभावना है। इनकी सारी प्रजातियां घातक नहीं है, मगर कुछ जहरीले मेंढक इतने खतरनाक है कि वे किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। इसलिए जंगल में ऐसे आकर्षक जीवों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी। वैसे अमेज़न वर्षावन कई अविश्वसनीय प्रजातियों का घर है, जैसे कि जैगवार, स्लॉथ, तितलियां और मकड़ियां। अमेज़न बेसिन में मकड़ियों की लगभग 3,600 प्रजातियां निवास करती है, जिनमें से कई सारी प्रजातियां दुनिया में और कहीं भी दिखाई नहीं देगी, जिनमें से एक है टेरेंट्यूला, जो कि अक्सर 30 साल की उम्र तक जीवित रहते हैं। अमेज़न में रहने वाली टेरेंट्यूला दुनिया की सबसे बड़ी मकड़िया है। हालांकि चिंता ना करें, 13 इंच लंबी मकड़ी होने के बावजूद उनके डंक जहरीले नहीं होते। टेरेंट्यूला का डंक आमतौर पर मधुमक्खी या ततैया के डंक जैसा लगता है, मगर इनके काटने का असर ज्यादा समय तक नहीं रहता। ये अक्सर ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं। आप इनके विशाल भूरे शरीर को आसानी से पहचान सकते हैं, जो काले और भूरे रंग के कांटेदार बालों से ढका होता है। हालांकि इनके बाल इंसानी शरीर को बेहद परेशान कर सकते हैं, इसलिए इनके ज्यादा करीब जाने से बचें। अमेज़न में मकड़ियों की एक और आकर्षक प्रजाति है, ये है जंपिंग स्पाइडर्स। अमेज़न वर्षावन के कैनोपी में रहने वाली सबसे दोस्ताना मकड़िया, हमेशा उछल कूद करने वाली यह मकड़िया काफी उत्सुक होती है। इनसे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे इंसानों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती। अमेज़न में जंपिंग स्पाइडर की 500 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद है, इसलिए आप इन्हें इजीली स्पॉट कर सकते हैं। अमेज़न के टेरेंट्यूला और जंपिंग मकड़ियों के विपरीत ये है ब्राजीलियन भटकती मकड़िया, जिन्हें देखने के लिए आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इन मकड़ियों की 8 प्रजातियां इस श्रेणी में आती है, सभी अत्यधिक आक्रामक और जहरीली। पृथ्वी पर इन्हें सबसे जहरीली मकड़ियां माना जाता है, और इनके काटने से एक अनुपचारिक मनुष्य की 25 मिनट में मौत हो सकती है, तो सफर में इनसे जरा बचकर ही रहना। 1930 के दशक में खोज के दौरान अमेज़न जंगल में कुछ आश्चर्यजनक चीज दिखाई दी, स्टोन बॉल्स। 16 टन वजनी ये स्टोन बॉल्स लगभग 7 फीट बड़े हैं। यह स्टोन बॉल्स न केवल पूरी तरह से गोल है, बल्कि बहुत चिकने भी है, जिससे पता चलता है कि वे मानव निर्मित है। इस क्षेत्र का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि वे ग्रैनोडियोराइट से बने थे, जो पास के टेलामैंका पहाड़ों से लाया गया होगा। स्टोन बॉल्स के अध्ययन से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे 200 ईसा पूर्व से यहाँ मौजूद है। इतने बड़े चट्टानों को यहाँ कैसे लाया गया होगा? लोगों ने सीमित संसाधनों के साथ इसे कैसे बनाया होगा? ऐसे चट्टान बनाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा होगा? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे धीमे चलने वाला जानवर कौन सा है? स्लॉथ, थ्री टो स्लॉथ, एक वृक्षीय स्तनपाई यानी मैमल है, जो पूरे मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इनकी 4 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 अमेज़न वर्षावन में पाई जाती है। पिग्मी थ्री टो स्लॉथ प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। इस प्रजाति के 100 से भी कम स्लॉथ अमेज़न में मौजूद है। स्लॉथ के हाथों और पैरों में विशेष टेंडेंस यानी मसल्स होते हैं, जो उन्हें एक जगह स्थिर होने में मदद करते हैं, और जिससे वे बिना किसी ऊर्जा को बर्बाद किए लंबे समय तक उल्टा लटक सकते हैं।
वे इतनी धीमी गति से चलते हैं कि हरे शैवाल उनके फर पर उगते हैं, जो उन्हें पेड़ों में छलावरण करने में यानी छिपने में मदद करता है। स्लॉथ प्रतिदिन औसतन 41 गज की दूरी तय करते हैं, जो कि एक फुटबॉल मैदान की लंबाई के आधे से भी कम है। फेमस बायोलॉजिस्ट जेरेमी वेड एक बार अमेज़न नदी के सफर पर निकले थे। जब वे पिंक डॉल्फिन की फोटोज निकाल रहे थे, तब अचानक उन्होंने एक ऐसे क्रिएचर की फोटो खींच ली जिसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। 1993 और 94 ये दोनों भी साल उन्होंने इस अज्ञात समुद्री जीव की तस्वीरें ली। जब उन्होंने स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछताछ की, तब लोगों ने ये मानने के लिए साफ इनकार कर दिया। 1995 में उन्होंने पहली बार इस जीव को होला दे इरा यानी सॉ टूथ डॉल्फिन के नाम से रिपोर्ट किया। इस बात पर स्थानीय लोगों का कहना था कि वो पिंक डॉल्फिन मछली पकड़ने के जाल या किसी प्रोपेलर ब्लेड से गलती से घायल हो गया होगा, लेकिन जेरेमी ने कहा कि वह नुकीले पर समान दूरी पर दिखाई दे रहे थे और वो किसी भी रूप से घायल नहीं दिखाई दे रहा था। जेरेमी वेड ने खींची हुई तस्वीरों में दिखने वाला यह होला दे इरा क्या वाकई नदी में मौजूद है? अगर है तो वो बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखाई दिया? इसके बारे में आपकी क्या राय है? अमेज़न के गहरे जंगल में ताड़ के पत्ते और लकड़ियों से बनी छत के नीचे गोलाकार आवासों में रहने वाले यानोमामी आदिवासियों ने अतीत में कई आक्रमण देखे। वे हिंसा, प्रदूषण, बीमारी और खदान से पीड़ित थे। दुनिया भर से विरोध दर्शनों के बाद 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति फर्नांडो कोला डी मेलो की सरकार ने यानोमामी को 94,000 स्क्वायर किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र प्रदान किया, लेकिन अभी भी घूसखोर और लालची लोगों की वजह से यानोमामी प्रजाति खतरे में है। जंगल तोड़, खदान, नदी के पानी में मर्क्यूरी का प्रदूषण, लो इम्यूनिटी की वजह से फैलने वाले रोग, इन सब का विपरीत परिणाम यहाँ रहने वाले आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। प्रकृति और यहाँ के लोगों का जीवन दोनों अविभाज्य घटक है। यहाँ की जनजाति पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रही है। हमें अपने जंगल और नदियों की देखभाल करने और संरक्षण करने के लिए इन स्वदेशी मूल्यों को सीखना चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण हमें माँ समान है। माँ जो जीवन प्रदान करती है, जो हमें भोजन देती है, जो हम सब की देखभाल करती है, उसका संरक्षण और संवर्धन करना मनुष्य की जिम्मेदारी है। ऐसी और बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए अलविदा।